नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं इस बछड़े के बारे में पहले ही बताया था एक वीडियो में कि यह जो है ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, खाना पैरा खा रहा है, जो दूध उसको पिलाना पड़ रहा है और गोबर वोबर भी अच्छा ही कर रहे हैं, बस उसके जो जॉइंट है, डॉक्टर आए थे तो अभी बोले वो जॉइंट में प्रॉब्लम है, इसलिए खड़े होने में दिक्कत आ रही है। तो इसके जो पैर देख सकते हो आप, ये यहाँ से काफ़ी थोड़े वीक लग रहे हैं, मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। देख सकते हो अभी पैरा वैरा खाया है, दूध पिलाया था इसको, लगभग आधा लीटर से ज़्यादा ही था, आधा 1 लीटर शाम को पिलाता हूँ इसको। अभी ये सायरप चालू है, ये जो न्यूरोक्विक नाम से आती है, इसको अभी 2 दिन हो गया मैं पिला रहा हूँ, तो ये थोड़ा आराम है, थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा है। देखते दोस्तों इसका क्या होता है फ्यूचर में, पर डॉक्टर साहब बोल रहे थे हो जाएगा 2 से 4 दिनों में और थोड़ा रिलीफ मिलेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो दूध दूध उसको पिलाना पड़ता है, और उसकी जो माँ है उसके भी थन में थोड़ी सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, आप देख सकते हो ये जो इसका ये वाला थन है इसमें थोड़ी स्वेलिंग ज़्यादा है, इसलिए जब दूध निकालते टाइम थोड़ी आगे पीछे होती रहती है, इसलिए को भी इसके लिए भी टेबलेट दिया है डॉक्टर ने, उसको खिलाना है और वो जो एक मलम है वो लाना है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये दोनों माँ बेटे दोनों को ही प्रॉब्लम है। ये जो न्यूरोपीक है इसको 10-10 ml सुबह और 10 ml शाम को खिलाना है, यानी पिलाना है उसको। सिरेंज जो रहता है उससे उसके मुँह में डालना पड़ता है, ऐसे तो नहीं पीता हो, पानी भी पीता है, दूध पिलाना पड़ रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है उसके साथ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।